एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर किए ने, चाहे वह लॉ अफसर होन, चाहे वह फोरेंसिक दे होन, चाहे होर जांच दे अधिकारी होन, ते अपने ही होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, मोहल्ला बसों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि अगले 2 हफ्तों में दिल्ली की सड़कों पर 150 मोहल्ला बसें चलना शुरू हो जाएंगी। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि मोहल्ला बसों का 2 रूटों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। ये बसें दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोहल्ला बसें आने वाले 2 हफ्तों में दिल्ली की सड़कों पर रहेंगी। मैं यहाँ चार्जिंग और अन्य चीजों के निरीक्षण के लिए आई हूँ। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि राज्य में हमेशा परिवहन संबंधी मुद्दे रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इस मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में करीब 2000 से ज्यादा मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। देखिए, आज यहाँ पे कुशक नाले बस डिपो पे, इलेक्ट्रिक बस डिपो पे हम आए हुए हैं, जो दिल्ली की यूनिक मोहल्ला बसेस हैं, जो 9 मीटर की इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसेस हैं। यहाँ पे जो पहली खेप है इन बसेस की, 150 बसेस की आ चुकी है। ये बसेस रेडी हैं, 2 रूट्स पे इनका ट्रायल भी हो चुका है। आज यहाँ पे इन सब बसेस का इंस्पेक्शन, इनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करने हम आए हुए हैं, और ये 150 बसेस आने वाले 2 हफ्ते में दिल्ली की सड़कों पे उतर जाएंगी। तो ये मोहल्ला बसेस 9 मीटर की बसेस हैं, जिन कंजेस्टेड एरियाज में बड़ी बसेस नहीं जा पाती हैं, जो 12 मीटर की दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, सीएनजी बसेस चलती हैं, कंजेस्टेड एरिया के हिसाब से ये इनिशिएटिव दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में लिया गया है। दिल्ली में हमेशा से ट्रांसपोर्ट में एक समस्या रही है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि चाहे मेट्रो से हम लंबी लंबी दूरियां कवर कर लें, और मेट्रो का दिल्ली में बहुत एक्सपेंशन भी हुआ है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से घर कैसे पहुंचा जाए, ये अभी तक दिल्ली वालों के लिए बहुत समस्या होती है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करने के लिए 2000 से ज्यादा ऐसी मोहल्ला बसेस को दिल्ली में उतारा जाएगा। 2025 में ही ये 2140 बसेस हैं जो उतर जाएंगी, और आने वाले 2 हफ्ते के अंदर 150 मोहल्ला बसेस दिल्ली की सड़कों पे दिखे। मैम, आप लोगों ने ट्रायल कर लिया है, पहले ही ट्रायल कर लिया था, ट्रायल भी आप लोगों ने बताया कि सक्सेस हो रहा। अब ये जो बसेस उतर रही हैं सड़कों पर, इनके लिए क्या रूट आइडेंटिफाई कर लिए गए, और अगर कर लिए गए तो कहाँ कहाँ ये चलने वाले? देखिए, ये आज जिस डिपो पे हम खड़े हैं, इसके आसपास के पूरे एरिया में, चाहे एम्स का इलाका हो, INA का इलाका हो, शाहपुर जाट का इलाका हो, गोविंदपुरी का इलाका हो, ये जो सारा एरिया है ये इन 150 बसेस से कवर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्ते में आप लोग ये 150 मोहल्ला बसेस, शानदार इलेक्ट्रिक लो फ्लोर मोहल्ला बसेस दिल्ली की सड़कों पे देखेंगे। इसमें सुविधा क्या क्या है बस के अंदर? देखिए, ये फुली एयर कंडीशनड बसेस हैं, और इसमें CCTV कैमराज, पैनिक बटन, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन बसेस की है कि बिल्कुल साउंडलेस बसेस हैं, कि अगर आप इन बसेस में ट्रैवल करेंगे तो बिल्कुल भी शोर नहीं है, जिससे कोई भी परेशान होगा इस बस में ट्रैवल करते हुए। इलेक्ट्रिक हैं सभी बसेस, अभी इलेक्ट्रिक बसेस का बेड़ा कितना हो गया सभी मिलाकर दिल्ली में, क्योंकि सरकार का जोर यही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें आ जाएं। देखिए, अभी दिल्ली की फ्लीट में 1940 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इन 1940 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ दिल्ली दुनिया का इलेक्ट्रिक बसेस का बेड़े का सेकंड लार्जेस्ट फ्लीट है दिल्ली में। तो अगर आप दुनिया के सारे शहर देखने जाइएगा तो सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में इंडिया, छोड़िए दुनिया में, दिल्ली लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट वाला शहर होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों को सुविधा देने का काम दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से करती आई। आखिर एक DTC बस में कौन जाता है? एक आम इंसान जाता है, एक गरीब इंसान जाता है, और उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुविधा मिल सके, ये अरविंद केजरीवाल जी का शुरू से इरादा रहा है। और अगर आप इन बसों में जाएंगे भी तो वर्ल्ड क्लास लो फ्लोर
एयर कंडीशनड, सेफ, सिक्योर बसेस ये हैं। अभी आपने देखा भी कि जब हम इन बसेस में चढ़े, जब तक बस का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ तब तक बस शुरू भी नहीं हुई। तो ये है इसमें हाई क्वालिटी सेफ्टी फीचर्स। और अगर आप बसेस के यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए, तो आधे से एक घंटे में 250 किलोमीटर चलने के लिए ये बसेस चार्ज हो सकती है।